कैसा रहेगा बुधवार का दिन, आइए जानते हैं आपके दिन भर के हाल। ज्योतिष के नजरिए से बताएंगे आपको आपका राशिफल। यही सब बताने की कोशिश होगी आज के इस राशिफल में। तो बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में थोड़ी समस्या आ सकती है, पर शीघ्र ही निदान हो जाएगा। पढ़ाई में मन कम लगेगा। खान पान की अधिकता सेहत पर असर डाल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। जोखिम भरे फैसले न लें। परिवार में बुजुर्गों के साथ स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। आज नए काम शुरू न करें। लेखकों और कलाकारों के लिए समय अनुकूल है। भाइयों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज कुछ दोस्तों के साथ अनबन हो सकती है। इस मामले में आप सावधान रहें। कोई भी काम जल्दबाजी में न करें तो ही अच्छा होगा। पार्टनर से सलाह किए बिना कोई फैसला न लें। आपके कुछ काम अटक सकते हैं। नए काम हाथ में बिल्कुल भी ना लें। सेहत नरम हो सकती है। आज बेकार की बातें करके समय को बर्बाद करने से बेहतर है कि आप शांत रहें। आज आपको अपने कुछ काम में निराशा जरूर हाथ लग सकती है। आज अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। काम में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको प्रसन्नता होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि आज आपसी मतभेदों को भुलाकर अपने रिश्तों को कायम करने का दिन है। आप पाएंगे कि आज हालात समाप्ति के दौर पर है। ये परिस्थितियाँ ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बदलती रहती हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए सावधानी पूर्वक निर्णय ले लें। घर से अलग रहने को मजबूर लोग शुरुआती परेशानी का सामना कर सकते हैं। मित्रों और परिजनों के साथ मनमुटाव होने की और आरोग्य बिगड़ने की संभावना है। आज का दिन मध्यम और फलदायी होगा। प्रेम के मामले में अस्वीकृति झेले जाने की संभावना है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आज आपके व्यापार धंधे में खूब सफलता मिलेगी। कानूनन न फंसें, इसका ध्यान जरूर रखें। व्यापार धंधे के लिए भावी योजना सफलतापूर्वक संपन्न होगी। किसी के साथ पैसों की लेन देन को लेकर सफल रहेंगे। देश विदेश में व्यवसाय करने वालों को फायदा होगा। घर में परिवार जनों के साथ आनंद पूर्वक समय बिता लेंगे। धन का लाभ योग है। कार्य में यश मिलेगा। प्रतिस्पर्धियों को पराजित कर सकेंगे। प्रगति वर्धक समाचार मिलेंगे। पिता से व्यावसायिक मार्गदर्शन मिल पाएगा। अपने काम में पूरी सजगता रखें। पूंजी निवेश करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। आज के दिन किसी के साथ छेड़खानी करने से बिल्कुल बचें। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आज के दिन आपको संभलकर चलना होगा, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज नौकरी की जगह आपको उच्च वर्ग के अधिकारियों की नाराजगी को सहनी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में घनिष्ठता अनुभव करेंगे। व्यवसाय में परेशानी खड़ी हो सकती है। दूर के प्रवास का आयोजन होगा। धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। लेखन और साहित्य सर्जन जैसे कामों में मन लगेगा। आपको धन लाभ होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन ज़्यादा खर्च करने का दिन नहीं है। परिवार का वातावरण भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। कुटुंब के लोगों के साथ मतभेद हो सकते हैं। मन में अनेक प्रकार की अनिश्चितता के कारण मानसिक बेचैनी रहेगी। आर्थिक प्रयासों में परिश्रम अधिक करना होगा, तभी जाकर आय के साधनों में वृद्धि कर पाएंगे। आय जितनी होगी खर्च भी उतना ही होगा। आय व्यय बराबर रहेंगे। मन दुविधा युक्त रहेगा। बोलने पर संयम रखें। किसी के साथ वाद विवाद या झगड़े में पड़ने से मामला खराब हो सकता है। गलतफहमी हो तो फौरन खुलकर बात करें, इससे बात जल्दी ही खत्म हो जाएगी। आरोग्य के प्रति लापरवाह न रहें, मान प्रतिष्ठा का भंग होगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। आपके संबंधों के प्रति
त्याग से मधुरता आएगी, आज पहले की अपेक्षा आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, महिलाएं संतान के प्रति अति संवेदनशीलता न रखें, साहस व पराक्रम के साथ किए गए प्रत्येक कार्य में आपको आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त होगी। दिन कुछ भ्रम से शुरू हो सकता है, आध्यात्मिक झुकाव वाला व्यक्ति आपकी बचाव में आ सकता है, व्यक्ति आपको मार्गदर्शन करेगा, आप उनकी सलाहों का पालन कर सकते हैं, क्योंकि आज उन्हें शुद्ध इरादों के साथ दिया जाता है। आप आज भी एक पवित्र स्थान पर जा सकते हैं। दिन का दूसरा भाग आसानी से पारित होगा, आप दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज दिन चढ़ने पर वित्तीय तौर पर सुधार आएगा, आपकी कामयाबी में आपके करीबी लोगों का योगदान रहेगा, बेरोजगारों को मनचाहा काम मिलने के आसार हैं, व्यर्थ में अपना समय बर्बाद ना करें, अपना बहुमूल्य समय किसी के काम में लगाएं, अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल को लेकर आएगा, मामलों को सुलझाने की कोशिश में योजनाओं और मनोभावों में बदलाव आ सकता है, खुद को किसी भी गलत और गैर जरूरी चीजों से दूर रखें, क्योंकि आप उसकी वजह से मुश्किल में फंस सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। आज ऑफिस में किसी की बुराई करने से परेशानी होगी, कुछ लोग फालतू बातचीत में भी समय खराब कर सकते हैं, किसी और तरीके से रुकावट भी पैदा करेंगे, भविष्य को लेकर कोई आशंका आपके मन में रहेगी, परिस्थितियों से मजबूर होकर आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो काफी फायदेमंद साबित होगी। ये परिवार में दबदबा बनाए रखने की अपनी आदतों को छोड़ने का समय है, जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दें, आपका बदला हुआ बर्ताव उनके लिए खुशी का सबब साबित होगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज आपका सेहत को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है, आज आपके किसी से मुलाकात भी हो सकती है, सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें, आप लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, आपका प्रभाव कम होगा, नई योजनाएं आकर्षक होंगी और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होगा। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते समय आप अपने शब्दों को गौर से चुनें, लंबी यात्राएं फलदायी साबित होंगी व अच्छे परिणाम देने वाली रहेंगी, वैवाहिक जिंदगी आपकी बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। गणेश जी कहते हैं आज आपके दिन की शुरुआत ऊर्जापूर्ण रहेगी, लेकिन व्यवहार में आक्रामकता हो सकती है जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है, मनोरंजन के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, कुछ रोचक और नए अनुभव मिलेंगे, पढ़ाई या कैरियर से जुड़े काम नए सिरे से शुरू होंगे, कई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, कुछ कामों में नए अनुभव जरूर मिलेंगे, आज कुछ नए पारिवारिक तनाव से मन अशांति का एहसास करेगा, कुछ चिंताएं मन पर प्रभावी होंगी। अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। आज का दिन घटनाओं से भरा हुआ रहेगा, स्थितियां आपके सामने किसी पुरानी अवांछित बात को फिर से लाकर खड़ी कर सकती हैं, जिससे आप बचना चाहते थे, हर समस्या का समाधान अब आपको साफ दिखने लगेगा। अगर आप अपना नजरिया आसपास के ऐसे लोगों को बताएं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हों तो आपको लाभ होगा, साथ ही आपको काम के प्रति अपने समर्पण और निष्ठा के लिए शाबाशी भी मिलने की संभावना है, दोस्तों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं, रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं, कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। तो हमने आपको बताया आज के राशि फल के बारे में, ऐसे ही धर्म कर्म और राशि फल से जुड़ी तमाम बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को YouTube पर सब्सक्राइब करें
और ताजा अपडेट के लिए देखें हमारा चैनल। नमस्कार। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।